सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। भाई लेना तो सैमसंग का फोन है, कौन सा लूं, सैमसंग गैलेक्सी A71 या फिर A50 या फिर A50s, कौन सा लूं, कौन सा है बेस्ट मोबाइल? क्या आप भी ऐसा सोच रहे हैं अभी कौन सा ले मोबाइल इनमें से? तो इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कौन सा ले, तो आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपके लिए यही लेके आई हूँ आपके लिए आज की वीडियो। तो हाय गाइस, मेरा नाम है मनप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल टेक्निकल जी। शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो ऐसी कुछ और अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए हमारे इस चैनल को, क्योंकि आपके दोस्त मित्र भी जान सके कौन सा ले डिवाइस। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो जहां पर हम बात कर रहे थे इन तीनों डिवाइस की, तो आप लोग तो जानते होंगे ये तीनों ही डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज के डिवाइस है जो हाल ही में पीछे लॉन्च की गई थी। तो सबसे पहले हम इसके बात करेंगे स्पेसिफिकेशन की और उसके बाद में देखेंगे प्राइस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्प्ले कंपैरिजन की। A51 है और 71 जो डिवाइस है ये पहले डिवाइस थे ए सीरीज के। तो पहले इनकी डिस्प्ले की बात की जाए तो Infinity-O Super AMOLED डिस्प्ले के साथ आते हैं। तो अब बात कर लेते हैं स्क्रीन साइज की। तो यहाँ पर जो आपको स्क्रीन साइज देखने को मिलेगा A71 में वो देखने को मिलेगा 6.7 इंच का, आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और बात कर लेते हैं A15s की, तो यहाँ पर आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस इन्फिनिटी व्यू डिस्प्ले देखने को मिलता है। अगर बात करें A51 की तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले दिया जाने वाला है। तो डिस्प्ले के मामले में आप लोगों को पता चल गया होगा यहाँ पर A71 में आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है, थोड़ा सा डिस्प्ले आपको साइज बड़ा देखने को मिलता है सैमसंग गैलेक्सी A71 में। तो ये था डिस्प्ले कंपैरिजन। तो अब बात कर लेते हैं तीनों डिवाइस की रैम, प्रोसेसर और वेरियंट के बारे में। तो बात करें A51 और 50s वाले प्रोसेसर में आपको एक ही प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो बात करें कौन सा प्रोसेसर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको Exynos का 9611 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा A50 और A51 में, दोनों ही डिवाइस में आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है। अगर बात करें Samsung का Galaxy A71 की, तो यहाँ पर आपको Snapdragon का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, Snapdragon का यहाँ पर आपको 730 प्रोसेसर देखने को मिलेगा Snapdragon का। तो अगर आप Snapdragon को बेस्ट मानते हैं तो आप Snapdragon की ओर जा सकते हैं। अगर आप Exynos का प्रोसेसर लेना चाहते हैं तो आप Samsung का A50 और A50s की ओर जा सकते हैं। और स्टोरेज वेरिएंट और रैम वेरिएंट की बात की जाए तो तीनों ही डिवाइस 6GB रैम और 8GB रैम दोनों के साथ 128GB स्टोरेज वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही थी कुछ रैम, प्रोसेसर और वेरिएंट की कंपैरिजन। तो अब बात कर लेते हैं कैमरा सेटअप की। तो कैमरा सेटअप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मोबाइल का, तो कैमरा सेटअप की बात कर लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी A50s की। तो यहाँ पर जो आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 48MP का आपको प्राइमरी कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और यहाँ पर आपको 5MP का डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें सैमसंग गैलेक्सी A51 की, यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो प्राइमरी कैमरा होने वाला है 48MP का, तो 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 5MP का डेप्थ सेंसिंग और 5MP का आपको मैक्रोन कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो अगर बात करें A71 की, तो यहाँ पर आपको कैमरा में इंप्रूव देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 64MP का एक कैमरा देखने को मिलेगा ऐसे प्राइमरी कैमरा, और बाकी जो कैमरा होने वाले हैं वही 12MP, 5MP और 5MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा सैमसंग के A71 में। तो यहाँ पर आपको साफ ही पता चल रहा है सैमसंग गैलेक्सी A71 में यहाँ पर इंप्रूव देखने को मिलेगा कैमरे के मामले में। अगर आप कैमरा डिवाइस लेना चाहते हो तो A71 की ओर जा सकते हैं। और ये था कैमरा कंपैरिजन। तो अब बात कर लेते हैं बैटरी को लेकर। तो बैटरी बात की जाए तो जो सैमसंग का A51 है और A50s है उसमें आपको 4000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और उसी के साथ 15W का आपको चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, दोनों डिवाइसों में सेम रहने वाला है। अगर बात करें सैमसंग गैलेक्सी A71 की, तो यहाँ पर आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और इसी के साथ आपको 25W का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो इम्प्रूव यहाँ पर A71 में है, आपको साफ नजर आ रहा होगा।
तो बात करें अब, तो अब बात कर लेते हैं इसकी कीमत की। तो प्राइस की बात करें तो स्टार्टिंग वेरिएंट मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी A51 की 6GB रैम की कीमत की बात की जाए 23,999 रुपये है। और वहीं कंपनी के दूसरा जो मॉडल है A71 की कीमत की बात की जाए तो उसकी जो कीमत है 29,999 रुपये 30,000 रुपये में आपको देखने को मिलेगा इसका जो स्टार्टिंग वेरिएंट है। तो और बात करें सैमसंग गैलेक्सी A50s की तो यहाँ पर 19,999 रुपये में इसका वेरिएंट शुरू है। तो कीमत में भी बहुत फर्क देखने को मिलेगा। तो ये थी कुछ कंपैरिजन वीडियो इन्हीं मोबाइलों की। तो आई होप आपकी कंफ्यूजन दूर होगी होगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो आपको बस इतना ही सोचना है कि आपके कौन सी स्पेसिफिकेशन बढ़िया रहेगी आपके जो वर्क के लिए। तो अगर आप कैमरा के लिए मोबाइल लेना चाहते हैं तो A71 ले सकते हैं। बैटरी में भी इम्प्रूव आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा मोबाइल बेस्ट रहेगा अपनी जरूरतों के हिसाब से। तो ये थी कुछ वीडियो कंपैरिजन वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो 100 सब्सक्राइब हो गए हैं तो जल्दी से जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये थी कुछ आज की वीडियो और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनको भी पता चले कि कौन सा मोबाइल बेस्ट है। तो ये थी कुछ आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।